मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलें खबरों की ओर। 34 कांग्रेस नेताओं पर सांवेर पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी सहित कई नेता सांवेर थाना गिरफ्तारी देने पहुंचे, जहां कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने मंत्री तुलसी सिलावट पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के लिए क्या किया। वहीं उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि 42 दिन में सरकार जाने वाली है, साथ ही कहा कि प्रेमचंद गुड्डू की चक्की बार की आटा पीसता है। कि बीजेपी के लोग चुनावी आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, मुख्यमंत्री अभी आए थे, कई लोगों का खाना हुआ, प्रशासन हाथ बांध के नौकरों की तरह खड़ा रहा, पुलिस और टीआई हाथ बांध कर पुलिस विभाग के लोग नौकरों की कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहे, और एक राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि सभा में आपने 40-40 लोगों पे मुकदमे लगा दिए, 50-50 लोगों के और अन्य नाम लिख दिए। ये अन्याय कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी, और मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि समय बदलने वाला है। 42 दिन, ये 7-8 दिन का मंत्री बचा है तुलसीराम सिलावट, और 42 दिन में सरकार जाएगी। जिस जिस अधिकारी कर्मचारी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और हठधर्मिता की और बीजेपी के झांसे में आके कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो याद रहे। मैं तो थोड़ा सरल आदमी हूं, पर प्रेमचंद गुड्डू की चक्की बहुत आटा बारीक पीसती है।